हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि ओप्पो A58 फ़ोन में आप लोग क्विक बॉल को कैसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास एक ओप्पो A58 फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आप लोगों को क्विक बॉल को यूज़ करना है गाइस, यहाँ पर एक क्विक बॉल का ऑप्शन होता है गाइस, उसको ऑन करते ही यहाँ पर एक बटन आ जाएगा बॉल टाइप का, और इस बटन को जो आप लोग बहुत सारे काम के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कि बैक करने के लिए हो गया, उसमें आप लोग अलग अलग सेटिंग्स भी आप लोग लगा सकते हो, ऐड कर सकते हो, और उस बॉल पर क्लिक करके उन सेटिंग्स को आप लोग ऑन कर सकते हो। तो कैसे आप लोग इस क्विक बॉल को यूज़ करोगे गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्विक बॉल को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते ही यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गाइस एडिशनल सेटिंग्स का, तो इस एडिशनल सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होगा असिस्टिव बॉल्स का, तो इस असिस्टिव बॉल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पर से ऑन कर देंगे। ऑन करते ही देख सकते हैं यहाँ पर एक बॉल आ गया, ठीक है गाइस। अगर हम एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैक होगा, क्योंकि यहाँ पर टैप में हम लोग बैक को सेट करके रखा। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे और लॉक स्क्रीन को यहाँ पर क्लिक करके रखेंगे या टेक ए स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसको हम लोग क्लिक करके रखेंगे तो इस पर क्लिक करते आप लोग स्क्रीनशॉट ले पाओगे। तो यहाँ पर से तीन काम करते ये बॉल, डबल टैप, टच एंड होल्ड और टैप, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर से आप लोग सारे ही ऑप्शन पे, मतलब तीनों ऑप्शन पे आप लोग अलग अलग सेटिंग्स को आप लोग लगा सकते हो, कि एक डबल क्लिक करने से आप गो बैक होंगे या 100 मोड ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर से कुछ इस तरीके से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। अगर टैप मेनू पे यूज़ करोगे तो यहाँ पर आप लोग मेनू को भी ला सकते हो गाइस। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से तो यहाँ पर मेनू आ जाएगा। यहाँ पर से आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर से बैक कर सकते हो। तो ऐसे करके जो आप लोग अपने ओप्पो A58 फ़ोन में आप लोग क्विक बॉल को यूज़ कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।